गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक और आपके साथ वीडियो लेकर आया हूं अपनी स्कॉर्पियो वैन की, और आप देख रहे होंगे कि ये पार्ट मेरी गाड़ी के ऊपर क्या कर रहा है। वेल, ये मेरा रियर फेंडर है और इसकी एक बहुत दुख भरी कहानी है। ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी घर पे और इन्होंने ई रिक्शा एक पीछे से आया और उसने मेरी खड़ी गाड़ी पे मार दिया बुरी तरह से। बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है इससे और मेरा नुकसान भी थोड़ा काफ़ी हुआ है। आप ये देख सकते हैं, ये पार्ट आपका ये वाला है रियर फेंडर। ये मैं आपको देखिए ऐसे दिखाता हूँ रख के, ये आपका ऐसे आता है ये वाला पार्ट। ये ई रिक्शा ने जो हिट किया था इसको यहाँ पे पूरा प्लास्टिक का ये फ्रेम ही ख़राब कर दिया है। मेरा मेटल बॉडी पे भी एक डेंट इन्होंने यहाँ पे मारा है, और एक आप ये देख सकते हैं ये यहाँ पर ये चीज़ आई है। वो तो शुक्र मनाइए ग्लास का पैनल नहीं गया, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। थोड़ा सा ये नीचे जो बम्पर है मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर भी हिट किया था, लेकिन इसको मैंने गर्म पानी डाल के अंदर से हाथ लगा के सही कर दिया था अपने आप से ही। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि इसमें कितना खर्चा आया और क्या क्या हुआ। वेल, जब मैं महिंद्रा के पास गया था तो उन्होंने मुझे ये बताया था, सर या तो आप क्लेम ले लीजिए या फिर आप इसको खुद से ठीक करा लीजिए। तो मैंने उनसे पूछा था कि कितना इसमें डिफरेंस आएगा, तो वेल क्लेम का तो 2000 रुपये फाइल चार्ज होता है, क्योंकि 2200 cc के ऊपर की जितनी गाड़ियाँ उनका 2000 रुपये फाइल चार्ज, और ये जो पार्ट था ये 2000-4000 रुपये का ये टोटल पड़ा था। तो इतनी बड़ी गाड़ी पर कोई मतलब बनता नहीं है कि इसको आप क्लेम से क्लेम से करवाएं। और आप ये देख सकते हैं ये वाले पार्ट को, देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इस पे मैंने टचअप करवा दिया है, क्योंकि अगर इसको मैं पूरा ठीक करवाता तो यहाँ पे डेंट पुलर से इस पर पुल किया जाता, उसके बाद यहाँ इतना पेंट इसमें ख़राब होता, फिर दोबारा से पेंटिंग होता, जिसमें गाड़ी में पेंट में अगर कभी आगे सेल करनी हुई तो प्रॉब्लम आ सकती थी। हल्का सा जो ये वाला डेंट है इस वाले को मैंने इग्नोर कर दिया कि कोई बात नहीं, चलिए नहीं दिखेगा, अगर बहुत ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, जब मेरा ये पार्ट पेंट होके आया था ये वाला, इसमें आप लोग हमेशा जो आपका बेस पेंट है, जो OEM पेंट है VA, और इसके ऊपर हाथ फेर के ज़रूर देखें। अगर आपको हल्का सा डिफरेंस लग रहा है तो इसको पहले पेंट कटर से कटवाइए वहीं पे सर्विस सेंटर पर ही, और उसके बाद आप इसको पॉलिश करवाइए ढंग से, जिसकी वीडियो मैं आपको आगे डाल के दिखाऊँगा। इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों, और इस चीज़ से आप लोग बचिएगा कि कभी भी सर्विस सेंटर वालों से जब भी आप पेंट वेंट करवाएं तो बहुत ध्यान से करवाइए, और ध्यान से देखिए कि कहीं भी इस पे कोई ऐसा ना हो कि पेंट की ड्रॉपलेट्स आ रही हों, या ये रफ़ हो और ये बहुत आपका स्मूथ हो। थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है 19-20 का, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए। इस चीज़ की मैं दोनों की वीडियो आपके साथ इसके साथ अटैच कर दूँगा, आप देखिएगा जो सर्विस सेंटर पर इन्होंने बफिंग करी थी और पेंट कटर से इसको काटा था। दूसरा, जहाँ जहाँ छोटे छोटे स्पॉट्स थे जो चिपिंग से उखड़ जाते हैं, वहाँ पे भी मैंने हल्का हल्का सा टचअप करवा दिया है। आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, एक ये टचअप करवाया है और एक हल्का सा मैंने अपनी 100 ग्राम के पास ये टचअप करवाया। मैंने अपनी गाड़ी पे अभी तक कोई PPF नहीं करवाई है, जहाँ तक कि मैं प्लान कर रहा हूँ अब मैं करवाऊँगा, और उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि उसमें कितनी कॉस्ट आई और क्या क्या पैसा इसमें लगा है। अब इस पार्ट का तो बिल्कुल बेकार है, ये OEM फाइबर पार्ट है, आप देख सकते हैं महिंद्रा का है, ये रहा रियर बम्पर फॉर स्कॉर्पियो वैन। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसकी रबिंग करवाई है, और रबिंग बहुत अच्छे से कट पाई है, जिसको पेंट कटर आप लोग कहते हैं। अगर ये ठीक से नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी और पेंट अनइवन रहेगा। अब आप देख सकते हैं मैंने इस पर पॉलिशिंग करवा रहा हूँ इस पर, और इस पर अच्छे से बफिंग होगी। बफिंग होने से आपकी गाड़ी का जो OEM पेंट है और जो नया पैनल पेंटेड है, ये दोनों एक ही कलर में और टेक्सचर में आ जाएंगे, तो इससे आपको कभी अगर आगे फ्यूचर में गाड़ी सेल करें तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, एंड होप टू सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।